उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस बिल के संबंध में कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन रेलवे मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए दो छोटे छोटे सुझाव इस विषय में रखना चाहता हूँ। पैरा, यह सभी लोग मानते हैं कि रेलवे सबसे बड़ी राजकीय संपत्ति है। इसमें अगर किसी का नुकसान होता है तो सभी लोगों को चाहिए, चाहे वे किसी भी दल विशेष से संबंधित हों, उसकी रक्षा करें। अगर इसमें किसी तरह का कोई घाटा हो तो उसे रोकने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि रेलवे मंत्री जी की तरफ से यह जो बिल सदन के सामने आया है कानून बनने के लिए, वह उसी बात को ध्यान में रखते हुए आया है। लेकिन मैं अभी अभी बैठे बैठे दो चार माननीय सदस्यों का भाषण सुन रहा था। मुझे कभी कभी दुख इस बात का होता है कि हमारे देश के लोग इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं कि यह रेलवे हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। रेलवे एक ऐसी संस्था है जो देश की बहुत बड़ी सेवा कर रही है, सिर्फ पैसेंजरों को इधर उधर ले जाने में उसका उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि देश की राष्ट्रीय योजनाओं को पूरा करने में उसका बहुत बड़ा भाग रहता है। अगर कोई बड़ा मौका होता तो दूसरी बात थी, लेकिन जब भी कोई मामूली बात होती है, जैसा कि इस वक्त सिर्फ यह सवाल है कि रेलवे में जो बिना टिकट चलते हैं उसको कैसे रोका जाए, इस दिशा में इस बिल के द्वारा कोशिश की जा रही है। पैरा, श्रीमान, रेलवे में सुधार करने की बात को तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सदन में छोटे से लेकर बड़े कर्मचारियों की निंदा और उनकी शिकायत करना कहाँ तक ठीक है? अभी एक माननीय सदस्य ने कई बिना टिकट चलने वाले लोगों की व्याख्या की। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हमें यह बात माननी चाहिए कि जब हम ट्रेन में चलते हैं और इस तरह की कोई बात होती है तो हम सब लोगों को उसके बारे में शिकायत करनी चाहिए और कार्यवाही करनी चाहिए। इस तरह की जब भी कोई कार्यवाही होती है उसको रोकने की कोशिश भी करनी चाहिए। जब सरकार किसी बुराई को दूर करना चाहती है तो उसमें कुछ अच्छे लोगों को भी तकलीफ हो जाती है। इसका निदान ढूंढने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है।